अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद इम्तियाज़ आलम दिस साइड। सो आज हम नुआमुंडी यानी कि झारखंड से ट्रैवल करने वाले हजारीबाग तक, और फ़िलहाल मैं हूँ अभी जामदा क्रशर में। ये एक्चुअली एक क्रशर है, उमलेश ओझा ओनर है इसका। तो फ़िलहाल अभी 9 बज रहे हैं और यहीं से निकलने वाले। चलिए अभी तालाब से होकर के आते हैं पहले। सो ये एक छोटा सा एक पॉन्ड है और यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ भी हैं। चलिए उनके लिए दाना ले लेते हैं, उनको खिलाते हैं अभी। और अभी दाना डालेंगे, देखिएगा कितनी सारी फिश आएगी अभी इसमें। ये देखिए सब के सब मागुर मछली है, जो कैटफिश जिसे हम बोलते हैं वही है, और सब 7-7 किलो 8-8 किलो की है। और ये क्रशर बंद पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल, क्योंकि परमिशन मिला नहीं उस वजह से। और चलिए यहाँ पे उसका एक गाड़ी वॉशिंग के लिए, चलिए वहीं पर चलते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये आप देख सकते हैं 16 चक्का है, और लिफ्टर टायर देखिए किस तरीके से ख़त्म हो गया, डालेगा ये दूसरा नया टायर बचा ही नहीं। और गाड़ी तो माशाल्लाह अच्छा ही बना है। और चलिए अभी फ़िलहाल मैं इसके कैबिन में आ गया हूँ। चलिए इसका इंजन स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्ट हो गया, तो चलिए अभी इसे पीछे लगा, ड्राइवर अब रिवर्स करेगा अभी इसको। और हम निकल गए हैं और यहाँ से हमने फुल टैंक करवा लिया है गाड़ी को। चलिए देखते हैं फुल टैंक में हो जाता है या लगेगा आगे चल के। तो देख सकते हैं आप लोग कितने का डलवाया हमने फ्यूल, क्योंकि 300 किलोमीटर आना 300 किलोमीटर जाना, यानी कि लगभग लगभग 600 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा मान ही लीजिए। और यहाँ हम आ गए अभी 18 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुर, यहाँ पर नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और नाश्ता में ये हमने लिया छोला भटूरा, दो से ज़्यादा मैं इसे खाता ही नहीं हूँ। चलिए अभी है हम निकल गए सेरंसिया वाले रास्ते पे। पहले आप सबको बताया था कि ये रास्ता पहले बहुत ज़्यादा सुनसान था, लेकिन अब अधिकतर आना जाना इसी रोड से होता है। बस एक ही डीमेरिट है कि टर्निंग बहुत ज़्यादा है इस रोड पर, बाकी सब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है। साठ सत्तर अस्सी की स्पीड आराम से इसमें चल जाता है गाड़ी। और ये हम चायबासा भी एंटर कर रहे हैं। ये देखिए जो राइट साइड में जो ट्रक खड़ा है और बाजू में जो रोड जा रहा है, ये इधर साइड से उस साइड जो खड़ा है डाइवर्जन रोड था वो। बाबू भैया का लगता है हालत खराब है, क्यों अपने चला रहा फिर भी? उसका तो कैश अच्छा खासा बचता होगा, लेकिन
था उल्टे स्कूल के बगल में है बस, नहीं समझ में आता। यही है, यही है बड़ा स्कूल। लिखा हुआ गुप्ता। और यहाँ हम आ गए अभी एक गुप्ता फ्यूल्स पर, यानी कि कांड्रा आ गए हम। तो वहाँ से हमने फ्यूल डलवाने के लिए दे दिया गाड़ी में। अभी हम पहुँच गए चौका के आगे। यहाँ हम आए हैं माँ रेस्टोरेंट, हाँ माई नाम है। यहाँ पे लंच करने के लिए आए हम। यहाँ पर एक से एक होटल आपको मिल जाएगा, यानी कि रेस्टोरेंट होटल भी है। और इसकी खूबसूरती देखिए यार आप सब, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है। खूबसूरती तो है यार माशाल्लाह। चलिए देखते खाना कैसा है। तो ये हमने मंगाया पनीर दाल मखनी और तंदूरी रोटी। और वहाँ से हम निकल गए हैं। 850 रुपये का हमारा बिल बना था और खाना बहुत अच्छा लगा। बस दाल मखनी मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाजू वाले जो मेरे थे एक दो लोग, उनको अच्छा लगा। लेकिन सो ये हम एंटर कर गए अभी रांची। और कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। क्योंकि हम इधर से घूम करके आए थे, उसी वजह से। तो मैं मिराज, हम आए टाटा तरफ से, यानी कि कांड्रा तरफ से। अगर हम चक्रधरपुर होकर के आते तो उधर से थोड़ा कम पड़ता। और चलिए रांची से भी हम निकल ही रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ काम था नहीं हमें। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। हम तो रांची से दूसरी गाड़ी ले गए हैं, नया ले गए। और रोड ट्रिप से ही आएंगे यार इंशाल्लाह। बस बस ये सबसे नहीं, कार से अच्छा लगता अपनी गाड़ी। कभी भी आप कहीं भी निकल जाओ। हाईवे वाली जो रोड रहती है ना यार, उसका अलग एक मज़ा रहता अपना। आप अपना एक लेन पकड़ करके चलते रहो, ओवरटेक कर लो आराम से। गाड़ी एवरेज भी अच्छा देती है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। और ये आप देख सकते हो माशाल्लाह, ये वाला हाईवे तो बहुत ही अच्छा, पूरा पहाड़ से होके गुजर रहा है। ये चीज़ हमें यूनिक ही लगी यार, क्योंकि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। रांची से हजारीबाग वाला रास्ता सबसे अच्छा लगा मुझे अभी तक। उससे पहले भी हाईवे था, लेकिन ऐसा इस तरीके का नहीं मिला यार। और ये हम आ गए हजारीबाग और इसी होटल में आज स्टे कर रहे हैं। रात भर यही रुकेंगे, सुबह फिर यहाँ से निकलेंगे। और चलिए डिनर का टाइम हो गया तो डिनर कर लेते हैं। डिनर में हमने ये मंगाया हैदराबादी बिरयानी। और डिनर करने के बाद हम निकल गए थोड़ा टहलने के लिए। ये अपना हो जाता है मेन हाईवे, यहाँ से आपका बनारस ये सब के लिए सीधा रोड है। जस्ट सामने में टोल प्लाजा है।
बता रहे थे ना यही का लड़का है तो हजारीबाग का दुर्घटना में अभी डीएसपी का गाड़ी चल रहा है। तो यार आज हम हजारीबाग में काम तो हुआ नहीं जिस काम से आए थे, चलिए वापस चलते हैं। और जो मैं आपको बोल रहा था कि ये वाला हाईवे अलग ही लगता है, ये सब आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ को काट करके बनाया, इसी की मैं बात कर रहा था जो कल मैंने आप सबको बोला था कि अलग ही यहाँ का रास्ता है। ये देखिए ये चीज़ मुझे कुछ अलग लगी बाकियों से। अच्छा तो यहाँ पर हमने लंच लिया एक ढाबा पर रुक करके, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया था। और हाईवे मिल गया आप देख सकते हो कहाँ का, विकास रामपुर सेक्शन। चलिए अभी वापस जा रहे हैं जमशेदपुर, रांची होकर के निकलेंगे। तो हम आ गए अभी फ़िलहाल जमशेदपुर और आज यहीं रुक रहे हैं क्योंकि कल गाड़ी का सर्विस करवाना था। अचानक से फ़ोन आया तो हमने बोला चलो यार फिर पैसा खर्चा करेंगे, उससे अच्छा रुक ही जाते हैं। और यहाँ पर हम आ गए अभी डिनर करने द सिटी इन में, डिमना में है ये। चलिए अंदर चलते हैं, यानी कि कल गाड़ी की सर्विसिंग है, आज ही फ़ोन आया, मैंने बोला चलो यार करवा ही लेते हैं, दोबारा क्यों आएंगे फिर टाटा। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, ये पहली बार यहाँ पर मैं आया हुआ। और हमने ये मंगाया मटन बिरयानी, टेस्ट वाज एक्सीलेंट यार। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मुझे उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। और हाँ इंशाल्लाह मनाली ट्रिप का वीडियो कल से आप सबको मिलना चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले खुदा हाफिज़ दोस्तों। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछिएगा।